हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और मैं अरुण सोनी स्वागत करता हूँ आपका। तो मेरे बच्चा पार्टी, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था एटम की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और आज तक हमने आप देख ही चुके हैं कि कैटालिटिक रिडक्शन करवाना है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, आप जिसे आप रिडक्शन भी कहते हो, तो हमारा एस्टर हमें क्या प्रोडक्ट देगा, किस तरीके से वो हमें एल्कोहल देगा, उसी की कहानी हम समझेंगे। मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा, प्रोडक्ट आप सीधा बना दोगे, दो ही रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बन जाती है, बाउगार्ट ब्लांच रिडक्शन। ये हमें प्यार से करनी है। इससे पहले मेरे बच्चा पार्टी, एल्कोहल, डाइएथिलीन एल्कोहल, फिनोल, एपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एस्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एस्टर में कुछ एक दो वीडियो हो रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो ये मेरे बच्चा पार्टी पहले देख लेना, चैनल को विजिट कर लो, प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी बीएससी थर्ड सेंट के नाम से अलग से, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएगी। मैंने ऊपर लिख रखा है कौन से सेंट की क्या है। या मेरे बच्चा पार्टी सीधा आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो भी आपको वीडियो ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तो आ जाइए हम स्टार्ट करते हैं बाउगार्ट ब्लांच रिडक्शन। अपने नोटबुक निकाल लीजिए और साथ के साथ अपने बेहतरीन नोट्स बनाते चलिए। आ जाइए मेरे बच्चा पार्टी, देखिए अगर मैं बात करूं CH3 CH2 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 CH2
नहीं पता ना, वो मैं बता देता हूँ कौन सा ग्रुप है। इथाइल, बहुत दिन हो गए ना नाम पढ़ लिया आपको, इथाइल है ना। ये चार कार्बन, ब्यूटेन। अब बताइए एस्टर के लिए पीछे क्या लगाते थे, एन के बाद क्या लगाते थे? ओएच लगाते थे सर, ओएच लगाते थे, ये लोग ओएच लगाते हैं। अब मेरी बात सुनो, नाम क्या है? बाउंड बैलेंस रिडक्शन। होगी कैसे? चलो एस्टर तो हमने ले लिया, साथ में रक्षा पार्टी प्रेजेंस होती है, यहाँ पर सोडियम की प्रेजेंस होगी इथाइल एल्कोहल के साथ C2H5OH, और रिएक्शन होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब बातों को ध्यान से देखना, करना क्या होता है, हमेशा मोड़ तोड़ना होता है, ये वाला मोड़ तोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये वाला मोड़ तोड़ दोगे। अब देखो करना क्या है, C2H5O, टोटल हाइड्रोजन चार है, पहला हाइड्रोजन यूज हो चुका है, C2H5OH बन चुका है। अब आगे देखो ध्यान से, क्या बचा? CH3 बचा, CH2 बचा, CH2 बचा। मैं नीचे लिख दूंगा, मेरे बच्चा पार्टी दिमाग में रखना, CH3 CH2 CH2। अब ध्यान से देखो, कार्बन है ये लो, इसको दो हाइड्रोजन दे लो, ये लो, ऊपर क्या बचा? ऑक्सीजन बचा, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, देखो एल्कोहल बन जाएगी CH3 CH2 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 OH। हाइड्रोजन जोड़ना है, दो हाइड्रोजन कार्बन को देना है, एक हाइड्रोजन ऊपर वाले को देना है, और एक हाइड्रोजन इसको। ये थी हमारी पहली रिएक्शन, बाउमिलान बैलेंस रिडक्शन। कैसे हमने एस्टर का रिडक्शन किया सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और हमें देखने को मिला प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहो। तो ये था मेरा पार्टी बाउमिलान बैलेंस रिडक्शन। इससे ज्यादा इसके अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना, एस्टर के अंदर डेरिवेटिव है, काम चल जाएगा रिएक्शन से, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चा पार्टी इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बाउमिलान बैलेंस रिडक्शन को क्या कुछ है। अब बच्चों बात करता हूं मैं नेक्स्ट रिएक्शन की, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए। अब यहां पर होगा क्या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर? देखिए एस्टर ही लेके चल रहे हैं, मैं यही वाला ले लेता हूँ, ज्यादा दिक्कत नहीं आपको। CH3 CH2 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 CH2
तो मैंने दो हाइड्रोजन लिख दिया, टू हाइड्रोजन। यहां पर होगा कॉपर क्रोमाइड,
कॉपर क्रोमाइट कितना सीख लीजिए, कॉपर क्रोमाइट इसका फार्मूला आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टेम्परेचर बच्चा यहाँ पर अगर याद रखो तो होता है मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर कुछ 5 35 या 25 कुछ ऐसा होता है, कुछ भी लिख लीजिए 5 to 5 टेम्परेचर। और साथ में बच्चा पार्टी 200 तक एटमोसफियर प्रेशर भी होता है, तो एक कंडीशन होती है। अब देखो करना वही है, टिक मैम आपको बता रहा ट्रिक है क्या, देखिए ट्रिक की तरफ से आप देख लीजिए। अब इसकी एक्सर को आपको क्या दिया गया है, प्रारंभ सिंगल डबल बॉन्ड ओ और ये रहा ओ, आपके पास चार हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ठीक है, यहां से भी एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ठीक है, दो हाइड्रोजन बचे, दो हाइड्रोजन इस कार्बन में दे दीजिए। देखो चारों हाइड्रोजन हो गए, एक एक कार्बन तो दोनों ऑक्सीजन को दे दो, और दो कार्बन नहीं, एक एक हाइड्रोजन तो दोनों ऑक्सीजन को दे दिया, और जो दो हाइड्रोजन बचे वो कार्बन को दे दीजिए। तो यहां पर भी यही करते हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, C2H5OH बन जाएगा, बना दो ये दो। अब देखिए क्या बचा, CH3 CH2 CH2, ऐसे कैसे लिख लीजिए, CH3 CH2 CH2 ले लो। अब देखो सी कार्बन आ गया, कार्बन को दो हाइड्रोजन देने हैं, दे दीजिए CH2, इसके साथ एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ के OH को और लगा दीजिए। ये लो मेरे सपाटी, दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन अगर आप सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस रखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बाउरेन-ब्रास रिडक्शन नाम की नेमिंग रिएक्शन। अगर आप कॉपर क्रोमाइट लोगे तो नॉर्मल बोल दोगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दोनों ठीक है, ठीक दोनों में एक ही लगेगी। ये थी मेरे बच्चा पार्टी एस्टर की सिंपल सी केमिकल रिएक्शन, जिसे आप रिडक्शन भी बोल सकते हो, इसको अच्छे से बच्चा नोट कर लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ ट्रिक हमारी क्या थी, जो हमारे पास एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, तो ओ एल्काइल ग्रुप के साथ ऐड है, उसको तोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड वाले को, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दीजिए, वहां पर हाइड्रोजन दे दीजिए, आर उसके साथ चला जाएगा, ROH बन जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले को बॉन्ड को तोड़ दीजिए, वहां पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, और दो हाइड्रोजन कार्बन को दे दीजिए, आपका CH2OH बन जाएगा। क्या ऐसे भी याद रख लीजिए, तो हमारी ट्रिक है, अगर ये ना याद रहे तो एक ट्रिक और देख लो। देखो सी डबल बॉन्ड ओ है और ये ओ है, कुछ नहीं करना इसको, तो क्या करना है CH2OH करना है, सीधा सा याद रखो और इसके साथ OH कर दीजिए, इसको OH कर दीजिए। अब कैसे भी याद रख लीजिए, दोनों तरीके ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। ये हमारा रिडक्शन है, पहली बाउरेन ब्रास रिडक्शन है, नेमिंग है तो मेरे बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कैटालिटिक बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, वो आपको देगा व्हाट प्रोडक्ट यू विल ऑब्टेन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइट, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइट, यहां पर कॉपर क्रोमाइट ही हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एस्टर, पहली केमिकल रिएक्शन। इससे नेक्स्ट में हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके, वहां पे कैसे केमिकल रिएक्शन होगी, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एस्टर में मैक्सिमम हमारी 3 वीडियो रहेंगी छोटी छोटी, एक हमारी थोड़ी मैकेनिज्म वाली इंपॉर्टेंट वीडियो है, न्यूक्लियोफिलिक एसिड वाली और न्यूक्लियोफिलिक बेस अटैक वाली, वो इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में कराऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बच्चा पार्टी गुड बाय, अपने नोट्स बनाते रहिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी फरवरी के लास्ट में एग्जाम लेना स्टार्ट कर देगी, मैं यहाँ पर वीडियो की संख्या बढ़ाने वाला हूँ धीरे धीरे करके, जैसे मैंने पहले एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो अपलोड की है, मैं दोबारा वही काम करने वाला हूँ। फिर ये मत कहना कि सर सिलेबस हमारा नहीं हो रहा है, मैं बहुत तेजी से अब चलूंगा, उसी तेजी के साथ आपको भी सिलेबस करना है। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो के लिए मेरा समय एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।